तो हेलो गाइस, आगे हमें को माइनक्राफ्ट के नए वीडियो के साथ। तो गाइस, इस वाले वीडियो में आपके लिए लाए एक बहुत ही ऑसम मोड जी है गाइस। इस वाले मोड में आप लोगों को यूज़ करके माइनक्राफ्ट सर्वाइवल में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वाला मोड। क्योंकि इस वाले मोड में आपके साथ एक्चुअली होता ही है कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे एक डायमंड का शॉट बनाया और आप लोग को मतलब गलती से वो डायमंड का शॉट बन गया और आप लोग का डायमंड वापस चाहिए, लेकिन ये तो हो नहीं पाता है। लेकिन इस वाले मोड की मदद से आप लोग यहाँ से डायमंड वापस ले सकते हो और तो यहाँ से आप लोग काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ों को अनक्राफ्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर अनक्राफ्ट कर सकते हो, यानी कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे इस वाले मोड की मदद से अनक्राफ्ट कर सकते हो, यानी कि वापस उसके पहले फॉर्म में ला सकते हो इस वाले मोड की मदद से। तो अगर आप लोग जानना है कि इस वाले मोड को यूज़ कैसे करना है, इसका और भी बेनिफिट्स क्या है, इसका और भी फीचर्स क्या है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करना परेशान हो गए हम लोग। मैंने यहाँ पे एक वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये वाला जो मोड है वो ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जरूरत होगा एक क्राफ्टिंग टेबल का, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपने क्रिएटिव वाली इन्वेंट्री से। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ आइटम्स को ले लेता हूँ अपने क्रिएटिव वाली इन्वेंट्री से, कुछ इस तरह से। 2000 years later तो गाइज़, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अपनी क्रिएटिव वाली इन्वेंट्री से काफ़ी सारे आइटम्स को यहाँ पे ले लिया है। आप लोग को यहाँ पे सिर्फ ये जरूर नहीं कि सिर्फ इतना ही आइटम को आप लोग अनक्राफ्ट कर सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम जिसे आप अनक्राफ्ट कर सकते हो। तो गाइज़, मैं आप लोग दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। सिंपली मैंने यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल को ओपन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे डायमंड शॉट को इस तरह रख दिया। आप लोग कहीं भी रख सकते हो, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पे रखोगे देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि मुझे 2 डायमंड वापस मिल गया। मैं आप लोग को यहाँ पे एक और बार दिखा देता हूँ कि मोड काम कैसे करता है। सिंपली आप लोग यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल लेना है, क्राफ्टिंग टेबल को सिंपली आप लोगों को ओपन करना है कुछ इस तरह से। उसके बाद सिंपली आप लोगों को जो भी आइटम को अनक्राफ्ट करना है सिंपली आप लोगों को क्राफ्टिंग टेबल में रखना और आप लोगों को जो अनक्राफ्ट वो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एन्चेंटमेंट टेबल को यहाँ पे रख दिया है, मुझे जो 2 डायमंड है मुझे यहाँ पे वापस मिल गया आएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पे जो भी आइटम को चाहे वापस आप यहाँ पे अनक्राफ्ट कर सकते हो। अगर आपसे कोई आइटम गलती से क्राफ्ट हो गया तो आप लोग उसे वापस ले ला सकते हो यहाँ पे इसी मोड की मदद से। तो मैं यहाँ पे और भी आइटम्स को अनक्राफ्ट करके दिखा देता हूँ कि ये वाला मोड एक्चुअली में काम कैसे कर सकते हैं। देखते हो आप लोग यहाँ पे, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स को अनक्राफ्ट सक्सेसफुली कर लिया इस वाले मोड की मदद से। और हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये वाला जो मोड है ये सारे आइटम्स के ऊपर काम नहीं करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इस स्टेयर को लिया, लेकिन इस स्टेयर वापस ये अनक्राफ्ट नहीं हो सकता है। इसी तरह आप लोगों का काफ़ी सारा आइटम होगा जो आप लोगों का अनक्राफ्ट नहीं हो सकता है। तो आप लोग परेशान मत होना कि मेरा मोड काम नहीं कर रहा है इस तरह करके। और हाँ, लेकिन ये वाला जो मोड है ये आप लोगों का सारे वेपन्स के ऊपर काम करता है, यानी कि आप लोगों को जितने वेपन्स है सारा वेपन्स को आप लोग यहाँ पर अनक्राफ्ट कर सकते हैं इस वाले मोड की मदद से, लेकिन सारे आइटम्स के ऊपर ये वाला बात लागू नहीं होता है। तो गाइज, अब मैं आप लोग बताता हूँ कि आप लोग इस वाले ऑसम मोड को डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो गाइज, इस वाले ऑसम मोड को डाउनलोड करने के लिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। तो मजाक की बात साइड में, इस वाले ऑसम मोड को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आप लोग सामने कुछ इस तरह एक पेज खुल जाएगा। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे इधर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ से आप लोग जहाँ पे इस वाले मोड के बारे में और फीचर जान सकते हो कि इस वाले मोड का क्या क्या फीचर्स है। यहाँ पे सिंपली आप लोग इधर स्क्रॉल डाउन करते जाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये डाउनलोड्स वाला जो नीचे है सिंपली उस पर आप लोग क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद आप लोग ये जो मोड आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके आप लोग इसे अपने माइनक्राफ्ट के पॉकेट वाले एडिशन में इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो मोड आपको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका कुछ इस तरह। जैसे मेरा हो गया यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे ऊपर लिख गया इंपोर्ट स्टार्टेड और सक्सेसफुली इंपोर्टेड अनक्राफ्टेड ऑन। इसका आप लोग बिहेवियर पैक और रिसर्च पैक दोनों आप लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा एक ही बार में। इसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे वर्ल्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद सिंपल आप लोग को इधर स्क्रॉल डाउन करके ये जो एक्सपेरिमेंट्स वाला ऑप्शन है सिंपल आप लोगों को इन तीनों को इनेबल कर देना है। इसके बाद आप लोगों को रिसोर्स पैक में जाकर माई पैक्स में जाकर जो अभी आप लोगों ने डाउनलोड किया है अनक्राफ्टेड ऑन सिंपल आप लोगों को उसे एक्टिवेट कर देना है। और बिहेवियर पैक में जाकर आप लोगों को सेम थिंग रिपीट करना है। सिंपल आप लोगों को माई पैक्स में जाना है यहाँ पे और ये जो अनक्राफ्टेड ऑन सिंपल आप लोगों को इसे एक्टिवेट कर देना है। इसके बाद आप लोग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप लोगों की ये जो वर्ल्ड है वो कर देना है क्रिएट। तो गाइज, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तभी कभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलरली माइनक्राफ्ट से रिलेटेड ऑसम मोड्स और वीडियोस लाते रहता हूँ। इसके बाद सिंपली जो आपका जो ये जो मोड है ये आप लोग ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या करना है वो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो गाइस, बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वाला मोड और ये वाली वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out.